माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अन्य सभी सम्मानित मंत्रिमंडल के सदस्यों, पदाधिकारीगण और प्रिय कार्यकर्ता बंधु, आप समझ सकते होंगे कि आज मैं जितना मदन लाल जी खुश हैं उनसे कम खुश नहीं हूं। राष्ट्र में माननीय मदन राठौर जी इस जीत के अपराध मुझे खुशी है। मैं जब पहली बार यहां आया था और कार्यकर्ताओं का संबोधन कर रहा था और मैंने कार्यकर्ताओं से यह आग्रह किया था कि ऐसा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आपको दोबारा नहीं मिलेगा और यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस बात को सिद्ध करिएगा कि कार्यकर्ताओं के बीच में से कोई निकल करके संगठन खड़ा लेकर किसी को मुख्यमंत्री बनाता है, जो सहज और सरल स्वभाव से काम करता है, सबके साथ मिलजुल करके रहता है, तो कहीं ऐसा न हो कि उसके नेतृत्व में हम लोग चुनाव हार जाए। पार्टी है जो नए नए लोगों को अवसर देती है, पार्टी की मानसिकता पर ब्रेक लग जाए। और मुझे आज कहते हुए बहुत खुशी है, आज आपने सचमुच अपने नए मुख्यमंत्री का और अपने बिल्कुल नए प्रदेश अध्यक्ष का, इन दोनों का सम्मान की रक्षा करने का काम किया। आज मैं पिछले एक महीने से, जब से चुनाव खत्म हुआ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, चुनौती के साथ दिल्ली में कह रहा था, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने कहा था कम से कम 6 सीटें तो हम लोग जीत के ही आएंगे। आप अपने मन की गलतफहमी निकाल दीजिएगा कि आपने 5 सीट जीती है। आपने जीती तो सचमुच 6 है। दौसा का चुनाव एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, 2023 में उसने 51,000 वोटों से हम लोगों को हरवाया था और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे जो ये दो नेता यहां मंच पर खड़े हैं उनके नेतृत्व में हमने करीब करीब उन्हें हरा दिया है और उनकी जीत 51,000 से घट करके 2,000 पर आ गई है। यानी आपने सिद्ध किया है कि पूरे राजस्थान में ही नहीं, दौसा में भी अब सबसे लोकप्रिय पार्टी अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी। आप कल्पना करिए, रामगढ़ में जब मैं पहली बार गया था, मुझे बताया गया कि यहां पाकिस्तानियों को यहां ला करके उनके वैलिड सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं। मुझे बताया गया कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को बसाने का काम यहां का विधायक किया करता है। मुझे बताया गया कि रामगढ़ स्मगलिंग का केंद्र बन गया है इन मुस्लिम कट्टरपंथी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। एक आतंक था उस आदमी का, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके पुत्र तो चुनाव लड़ रहे थे, अगर जीते होते तो एक नई पीढ़ी का आधुनिक आतंक लेकर के आए होते। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, 70,000 से हम लोगों ने पिछला चुनाव 2023 में हारा था और इस बारी 13,600 से हमने उनको कटकनी दी है आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। झुंझुनू ऐसा लगता था कि एक परिवार की बटौती हो गई, एक मरेगा तो दूसरा आएगा, किसी तीसरे को झुंझुनू में राजनीति करने का अधिकार ही नहीं था। लंबा समय हो गया था कोई भाजपा का विधायक नहीं जीत पाता था। पिछला चुनाव हमने 28,000 से हारा था और यह चुनाव हम लोगों ने 42,000 वोटों के अंतर से जीत करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के चरणों में रखने का काम किया। यानी एक मठाधीशी हमने रामगढ़ में खत्म की है, दूसरी मठाधीशी हम लोगों ने झुंझुनू में खत्म की है, तीसरी मठाधीशी यहां खींवसर में चलती थी। मैं अभी भीतर कह रहा था, एक चूहे को हम लोगों ने पाल करके शेर बना दिया था और हमें एहसानमंद होना चाहिए कि उसर की जनता का
क्यूसर की जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है। एक ऐतिहासिक हार उसको दी गई है। जितना वोट क्यूसर में आरएलपी और कांग्रेस को मिला है, भारतीय जनता पार्टी उन दोनों से मिला करके अधिक वोट पा करके जीती है। देवली उमियारा हम लोग 19,000 से आ रहे थे। एक लंपट किस्म का निर्दलीय विधायक और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, आपकी पहचान कानून और व्यवस्था की रचना के लिए हुई है। और कानून के अब तक मैं यही कहता था कि राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। अब चुनाव आचार संहिता हट चुकी है। कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो कोई भी व्यक्ति होगा, हम उसे बताएंगे कि कानून उसके साथ क्या व्यवहार करता है। और हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। 19,000 की हार को पलट करके हमने 43,000 की जीत में बदल दिया है। और 84 में देश के टुकड़े करने के षड्यंत्र होते, हिंदू विरोधी राजनीति को भड़काने का काम होता है। हम 70,000 से वो चुनाव हारे थे पिछली बारी। आप सब कार्यकर्ताओं का इस मंच पर खड़े आदमी, हर आदमी एहसान मंद है। हमारी जीत हमारी हार 70,000 से घट करके अब सिर्फ 24,000 रह गई है। निश्चिंत रहिए, अगला चुनाव होगा, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होगा। हम बाप पार्टी को इस राजस्थान की धरती से उखाड़ करके मांगने वाले। इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। आप सब से हमारी केंद्रीय पार्टी बहुत खुश है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी बहुत खुश हैं। मुझे आज कहा गया था कि आप राजस्थान मत जाइए, दिल्ली के कार्यक्रम में रहिए, लेकिन मैंने कहा कि अगर आज के दिन, और कल हम लोगों की मीटिंग भी है, आज के दिन मैं राजस्थान नहीं लूंगा तो मजा नहीं आएगा। हम इस हंसी मुस्कुराहट को देखना चाहते थे। मैंने कहा था ना कि इनकी मुस्कुराहट बड़ी जाली होती है। कांग्रेस के लिए सचमुच ये बड़ी जाली मुस्कुराहट हुई है। माननीय मुख्यमंत्री को मैं एक बार फिर बधाई देता हुआ, वास्तव में हम लोग कहते हैं, मैं तो अब हर जगह जगह इस बात को कहता हूं, हमने कोई नेगेटिविटी से राजनीति नहीं की, हमने गुंडाई नहीं की, हमने किसी की प्रताड़ना नहीं की, हमने कानून व्यवस्था का मजाक नहीं उड़ाया। हम लोकतंत्र के सारे मूल्यों का सम्मान करते हुए सिर्फ लोकतांत्रिक पद्धति से अपने विरोधियों को पूरा अधिकार देते हुए माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में चुनाव जीत करके आए। तो वस्तुतः हमने इस बात को सिद्ध किया है कि एक सफल राजनेता का एक पेशेवर राजनेता होना, एक अपराधी राजनेता होना, एक गिरोबंदी करने वाला राजनेता होना जरूरी नहीं है। कार्यकर्ता भी एक सफलतम राजनेता बन सकता है। आप सबको बधाई देता हुआ अब ये मैं खुद माइक, अगर आप कहें तो माननीय मुख्यमंत्री को दे दूं।